देश की राजधानी दिल्ली में इस साल जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने भी लगा है। दिल्ली वाले अपने स्वेटर, शॉल और जैकेट निकाल चुके हैं और कई जगहों पर तो लोग आग तापते भी दिख रहे हैं। राजधानी में इस हड्डी गला देने वाली ठंड के पीछे की वजह है पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। जहां उत्तर भारत के कई शहरों में 18 दिसंबर को तापमान में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई, वहीं कई जगहों पर तापमान माइनस में चली गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली में 18 दिसंबर की सुबह अब तक इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह के रूप में दर्ज की गई है। 18 दिसंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने तेज धूप के बावजूद ठिठुरन पैदा कर दी है और फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर भारत के कुछ हिस्से में जैसे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान इलाका में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है और नॉर्थ मध्य प्रदेश, वेस्ट यूपी इलाका में भी आइसोलेटेड प्रदेश में कोल्ड वेव दिखाई दिया गया। अभी आज का स्थिति को देखें तो एंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर एप्रिसिएबली बिलो नॉर्मल टू मार्केटली बिलो नॉर्मल, ये यानी नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस बिलो है आज का मिनिमम टेम्परेचर। सो कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस कुछ इलाके में अभी जारी है। हमारा उम्मीद है कि 21 तारीख तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, यूपी, ये सभी इलाके में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस जारी रहेगा। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा राजधानी का अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। आगे भी इसके तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दिल्ली में गिरते तापमान के कारण अपने काम पर जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होने लगी है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। ठंड आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा है। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी हो रही है? ये ठंड के मौसम से परेशानी हो रहा है। गरीब आदमी कमा नहीं पा रहे ठंडी में, कपड़ा दे पर भी नहीं है सही। और क्या परेशानी कहूँ, सरकार केजरीवाल साहब ने हम लोग का भी कुछ राम करे। तो सुबह सुबह रिक्शा आप चलाते हैं, रिक्शे के लिए निकलते हैं, कस्टमर मिलते हैं ठंड की वजह से? नहीं मिलते हैं। नहीं मिलता है। हाँ समझिए, यही तो कहना है हम लोग का। ठंड ज्यादा है तो कस्टमर नहीं मिल रहे हैं? नहीं। अच्छा, ठंड से बचाव के लिए अभी अपनी तरफ से क्या कर पा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे होगी फूक रहे हैं, ताप रहे हैं हम लोग, आपका टाइम पास करके अपनी गाड़ी चलाने चले जाएंगे। बता दें कि 19 और 20 दिसंबर को राजधानी में तापमान गिरकर महज 5 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, जबकि यह 21 दिसंबर को 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। वही मौसम विभाग की माने तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक यानी कि 3 महीने दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी। इस दौरान ठंड और न्यूनतम तापमान के कई रिकॉर्ड पिछले सालों के टूट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।